आज का ये वीडियो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में है, जिसमें हम सीखने वाले थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टूडेंट है या इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं, तो आपने सुना होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर फेराडेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करती है और लेंजेस लॉ पर वर्क करती है। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फेराडेस लॉ किस तरह से वर्क करता है, लेंजेस लॉ किस तरह से वर्क करता है, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। आज के वीडियो में हम सभी बेसिक इंफॉर्मेशन को काफी आसान तरह से समझने वाले है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। इसके अलावा हम सीखने वाले थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स दिए जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली थ्री फेज मोटर में हमारे पास दो ही पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। जो स्टेटर होता है वो स्टेशनरी पार्ट होता है जिसके ऊपर नॉर्मली वाइंडिंग्स की जाती है। इस मोटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वाइंडिंग्स की गई है ये स्टेटर के ऊपर की गई, जो कि स्टेशनरी पार्ट है, और यहाँ पर बीच में इसका रोटर है जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है जो कि मोटर में रोटेट करता है। नॉर्मली जो मोटर होती है उसमें चार तरह के रोटर फिट किए जाते हैं। नॉर्मली जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर में हमेशा स्क्वायरल केज रोटर ही फिट किया जाता है। देखिए, जो हमारे पास ये रोटर है स्क्वायरल केज रोटर है। स्क्वायरल केज रोटर के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखिए कंडक्टर बार्स जो आपको नजर आ रहे हैं, यह एल्यूमिनियम की रॉड्स होती है। देखिए, ये एल्यूमिनियम की रॉड को इस तरह से क्रॉस फिट किया है ताकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर सके और सभी कंडक्टर बार को यहाँ पर एंड रिंग के द्वारा या शॉर्टिंग रिंग के द्वारा यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। यहाँ पर इस रोटर में प्रैक्टिकली देखिए जो क्रॉस लाइन आपको नजर आ रही है ये कंडक्टर बार्स है और यहाँ पर सभी कंडक्टर बार्स को शॉर्टिंग रिंग के द्वारा या एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट कर रखा गया है। यहाँ पे कंडक्टर बार को क्रॉस इसलिए बनाया ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर सके। अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप का रोटर होता है वो स्लिप रिंग रोटर होता है, जिसे हम वाउंड रोटर भी कहते हैं, और स्लिप रिंग रोटर को नॉर्मली सिंक्रोनस मोटर में फिट किया जाता है। इसके अलावा एक रोटर हमारे पास साइलेंट पोल रोटर होता है और एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आगे चलकर हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। इसके अलावा अदर पार्ट्स की बात की जाए, यहाँ पर देखिए मोटर में दोनों तरफ जो कवर्स दिए जाते हैं उन्हें एंड बेल्स कहा जाता है, और मोटर में दो बेयरिंग फिट किए जाते हैं, आउटर बेयरिंग और इनर बेयरिंग। तो यहाँ पर दो बेयरिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा मोटर को कूलिंग के लिए कूलिंग फैन फिट किया जाता है और कनेक्शन के लिए यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स होता है। चलिए अब किस तरह से थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग तरह से स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होती है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या फंक्शन होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन वाइंडिंग्स की गई है, आर वाइंडिंग, वाई वाइंडिंग और यहाँ पर बी वाइंडिंग। नॉर्मली तीन वाइंडिंग्स की गई। देखिए, होता क्या है, जब कंडक्टर में करंट का फ्लो किया जाता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो रही है हम समझ लेते हैं। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, जैसे ही करंट को फ्लो किया तो करंट के फ्लो होने से वहां पर फ्लक्स में चेंज होता है। अब ये फ्लक्स में चेंज किस तरह से हो रहा है हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, हमने कंडक्टर में यहाँ पे जो सप्लाई कनेक्ट की है वो एसी सप्लाई कनेक्ट की है, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई यहाँ पर हमने कनेक्ट की है। तो एसी सप्लाई में आप यहाँ पर वॉच कीजिए, यहाँ पर इसका वोल्टेज जीरो है। जैसे जैसे यहाँ पर वेव फॉर्म हमारी आगे बढ़ती जा रही है यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और ऐसा करते करते यहाँ पर पिक पर 230 वोल्ट होता है और यहाँ से अगेन डाउन होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 वोल्ट, 50 वोल्ट कुछ भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर अगेन वोल्टेज जीरो होगा, यहाँ से जो वोल्टेज होगा नेगेटिव में जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू नेगेटिव में जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम 230 वोल्ट माइनस में होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने कंडक्टर में जो करंट का फ्लो किया है वो एसी करंट का फ्लो किया, अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो किया। तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर फ्लक्स कंटिन्यू चेंज हो रहा है,
फ्लक्स के कंटिन्यू चेंज होने के कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। देखिए अभी जस्ट हमने इतना सीखा मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट हुई। तो देखिए क्या हुआ, जैसे ही कंडक्टर में करंट का फ्लो किया, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अभी जस्ट मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट हुई है। अभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी हम समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली हमारे पास जो थ्री फेज सप्लाई होती है वो एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर होती है। यहाँ पर आप इस वेव फॉर्म को केयरफुली वॉच कीजिए, देखिए यहाँ पर ए वेव फॉर्म निकली, यहाँ पर जो बी वेव फॉर्म है वो इससे 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर है, और यहाँ पर जो सी वेव फॉर्म है ये बी से 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर है। दैट मीन्स तीनों वेव फॉर्म एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर होती है। अब देखिए 120 डिग्री के फेज शिफ्ट होने से वहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होती है समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ए वेव फॉर्म को समझते हैं। देखिए ए यहां पर जीरो है, यहां पर इसका हाईएस्ट या पिक वोल्टेज है। देखिए यहां पर ए क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ए सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है इस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। देखिए अभी जस्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है और ए क्या कर रहा है, आप ए को आर मान सकते हैं। आर क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ए यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ से देखिए ए की ताकत यहाँ पे कम होते जा रही है, और यहाँ पर आप वॉच करें तो बी अब सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए बी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैग्नेटिक फील्ड को बी क्या करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, अभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर थी, अब यहाँ से वाई ने अपनी ओर खींची। देखिए वाई की ताकत सबसे ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आई। अब यहाँ से देखिए बी की ताकत कंटिन्यू कम हो रही है, और यहाँ पर सी की ताकत सबसे ज्यादा है, या आप कह सकते हैं बी वाइंडिंग की ताकत सबसे ज्यादा है। तो उस कंडीशन में बी क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो बी क्या कर रहा है, अब इसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से देखिए सी की ताकत कम हुई, अगेन यहाँ पर ए की ताकत ज्यादा होगी। यहाँ से क्या होगा, जो आर वाइंडिंग है इस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पर अगेन बी की ताकत सबसे ज्यादा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को वाई अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, कुछ समय के लिए आर सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, कुछ समय के लिए वाई सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, और कुछ समय के लिए बी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है तो यहाँ से सबसे पहले आर खींचेगा, फिर इसे वाई खींचेगा, फिर इसे बी खींचेगा, अगेन आर खींचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। दैट मीन्स कंटिन्यू यह रोटेट होती रहेगी। तो देखिए अभी जस्ट हमने ये सीखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्योंकि कुछ समय के लिए आर स्ट्रांग है, कुछ समय के लिए वाई स्ट्रांग है, और कुछ समय के लिए बी स्ट्रांग है। चलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस तरह से जनरेट होती है, आई होप आपको यह क्लियर हुआ हो। अब हम समझ लेते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस तरह से रोटेट करती है, किस तरह से थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फेराडेज लॉ वर्क करता है। देखिए हमें यह तो क्लियर हो चुका है, जो थ्री फेज मोटर होती है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि कंटिन्यू रोटेट कर रही है। देखिए कंटिन्यू रोटेट होने से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा रोटर होता है उसके जो कंडक्टर बार्स है उसे देखिए यहाँ पर क्रॉस इस तरह से डिजाइन किया गया है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से गुजरती है तो जो कंडक्टर बार्स होते हैं वो फ्लक्स को कट करते हैं। फ्लक्स को कट करने के कारण यहाँ पर आप देखिए जो हमारा स्टेटर है और जो रोटर है दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बीच में यहाँ पर एयर गैप है। अभी जस्ट क्या हुआ, स्टेटर में ही करंट का फ्लो हो रहा है, अभी रोटर में कोई भी करंट का फ्लो नहीं हुआ है। देखिए हुआ क्या है, जब हमने कंडक्टर में करंट का फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इस कंडक्टर बार्स से कट होती है तो फ्लक्स कट होता है। फ्लक्स के कट होने से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फेराडेज लॉ के कारण होता है। किस तरह से होता है समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली होता क्या है, अभी जस्ट कंडक्टर में करंट का फ्लो किया, कंडक्टर में करंट के फ्लो होने से वहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई।
अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यदि आप रोटर की डिजाइन देखें तो कंडक्टर बार्स को इस तरह से क्रॉस डिजाइन किया गया है। आप देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि रोटर का डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है, तो यह फ्लक्स को कंटिन्यू चेंज करता रहेगा या फ्लक्स को कंटिन्यू कट करता रहेगा। अब फ्लक्स को कंटिन्यू कट करने के कारण इस रोटर में देखिए क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि इसकी ताकत काफी ज्यादा है। सभी कंडक्टर्स को यहां पर शॉर्ट कर रखा है, तो सभी कंडक्टर में जो फ्लक्स का चेंज होगा तो उसके कारण यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रोटर में। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इस रोटर में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्योंकि इस रोटर के डिजाइन इस तरह से होने के कारण फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इस रोटर में करंट का फ्लो होगा। अभी जस्ट रोटर में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, अब रोटर किस तरह से रोटेट करेगा हम समझ लेते हैं। देखिए रोटर में यहाँ पर जितने भी कंडक्टर बार्स है उन्हें यहाँ पर एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट किया गया है, जिसकी वजह से रोटर एज ए क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब रोटर एज ए क्लोज्ड सर्किट बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से रोटर में खुद की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। देखिए स्टेटर की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि थ्री फेज सप्लाई यहां पर कनेक्ट करने के कारण जनरेट हुई है। देखिए स्टेटर की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, बट जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट हुई है, जो कि फेराडेज लॉ के कारण हुई है। देखिए स्टेटर की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड अब जनरेट हो चुकी है, जो कि हमेशा स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करती है। इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यह एक स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है एन और एस, आप यहां पर देख सकते हैं, और यह रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है एस और एन। जैसा कि हमने आपको कहा था कि रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वह स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट हुआ है, और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करती है बाय लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है वह उस कारण का अपोज करता है जिसके कारण वह खुद प्रोड्यूस हुआ है। दैट मींस जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वह स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुआ है, तो इसीलिए जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वह हमेशा स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करती है। अब इससे हमारी मोटर किस तरह रोटेट होगी हम समझ लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है, एस पोल है यहाँ पर और यहाँ पर एन पोल है, ये हमारे स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एन पोल और यहाँ पर एस पोल। देखिए अब होगा क्या, चूंकि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करती है, तो इसी वजह से देखिए यहां पर एन आया तो रोटर भी यहां पर एन आने की कोशिश करता है, जैसे यहां पर देखिए। तो जैसे ही रोटर का एन रोटेट होकर यहां पर आएगा वैसे ही स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, क्योंकि हमने स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट किया है 120 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। देखिए अब क्या होगा, यहां पर एन और यहां पर एस आया है, अब उसी वजह से देखिए अब रोटर क्या सोचेगा, यहां से एस यहां पर फटाफट लाया जाए, तो वहां पर देखिए जैसे ही एस यहां पर आएगा तो यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। देखिए कंटिन्यू ऐसा होने के कारण, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज हो रही है और जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो कोशिश कर रही है स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की वजह से वहां पर एक टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क जनरेट होने की वजह से हमारी मोटर वहां पर रोटेट करती है, क्योंकि यहां पर जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यू स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करती है, जिसकी वजह से वहां एक टॉर्क जनरेट होता है और हमारी मोटर रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो इसी की वजह से हमारा रोटर रोटेट होता है और हमारी मोटर वहां पर घूमती है। चलिए अब यदि इसी क्वेश्चन को आपको इंटरव्यू में बताना हो या किसी को एक शब्दों में बताना हो तो किस तरह से बता सकते हैं, तो आप इस तरह से आसानी से बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, स्टेटर में सप्लाई को कनेक्ट किया, स्टेटर में सप्लाई को कनेक्ट करने से वहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, क्योंकि वहां पर तीनों फेज 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से रोटर पर जो कंडक्टर बार्स जो तिरछे तिरछे आपको नजर आ रहे थे वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यू कट करता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यू कट करने से वहां पर ईएमएफ जनरेट होता है, और ईएमएफ जनरेट होने से रोटर में करंट का फ्लो होना स्टार्ट करता है,
जो कि फेराडेज लॉ के कारण हुआ है। अभी जस्ट रोटर में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ है। अब देखिए, रोटर इज ए क्लोज्ड सर्किट बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से रोटर की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि हमेशा स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने के कारण रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वह स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा कम करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से रोटर में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है और इसी टॉर्क के कारण हमारा रोटर वहां पर रोटेट करना स्टार्ट करता है। अब चूंकि हमारे पास स्टेटर में जो सप्लाई कनेक्ट की है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कंटिन्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से रोटर कभी भी स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को कैच नहीं कर पाता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कंटिन्यू रोटेट करते जाता है, जिसकी वजह से हमारी मोटर वहां पर घूमती है। सो आई होप आपको इस छोटे से वीडियो में क्लियर हुआ हो थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस तरह से वर्क करती है, फेराडेज लॉ किस तरह से वर्क करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड।